महिला शरणार्थियों पर दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार में जंग छिड़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में रोहिंग्यों को बसाने का नहीं बल्कि वापस भेजने का प्लान तैयार हो रहा है और तब तक वो डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जमीन अलॉट नहीं कर रही। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली में रोहिंग्यों को बसाने के सियासी आरोप लगा रही है और इन सब के बीच दिल्ली सरकार का एक नोट सामने आया है जो कि 29 जुलाई की मीटिंग का है और इसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव कर रहे थे और इस मीटिंग में एनटीएमसी को तुरंत बकरवाला में 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एफआरआरओ यानी विदेशियों का हिसाब किताब रखने वाले विभाग को निर्देश दिया गया कि वो डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए बकरवाला में फ्लैट को ओवरटेक करें। ये प्रक्रिया अगस्त 2022 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए थे और इसकी रिपोर्ट एलजी के सामने रखने के निर्देश भी दिए गए थे। वहां सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये रोहिंग्याओं को लिखा हुआ है 24 आवर सुरक्षा देंगे मोदी सरकार के मंत्री जी, कि ये कश्मीरी पंडितों को तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, भारत के गरीबों को ये मुफ्त की सुविधा नहीं दे पा रहे, इनको वो मुफ्त की रेवड़ी लग रही है, रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। रोहिंग्यास को सुरक्षा, पक्का घर, बिजली पानी सब सुविधाएं दी जा रही हैं। हम इस निर्णय से असहमत हैं और भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और रोहिंग्यास को घर देने की बजाय उनको भारत से बाहर भेजने का अपना निश्चय ये कार्यवाही मिला है। भाजपा को इसका जवाब देना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजी तबका हो उनको प्रॉपर तौर पर रिहैबिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो रोहिंग्यों को जो इन्हीं का थे, इन्हीं का भाषण था कि हम इनको बाहर फेंकेंगे। अब जम्मू कश्मीर के भी वो टेस्टिंग लेबोरेटरी समझ के रखा है, आज उनका बयान आता है मंत्री साहब का, तो मैं समझता हूँ भाजपा अपना मंथन करे कि वो किस नीति को अडॉप्ट यहाँ पे करने जा रहे, वोटों की राजनीति करने के लिए अब लोगों को गुमराह करके उनको सुरक्षा भी देंगे, फ्लैट भी देंगे। यहाँ पे जम्मू में 19 करोड़ के फ्लैट यहाँ पे बने, 8 साल हो गए अलाट नहीं कर सके, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के अलाट थे, अलाट यहाँ पे किए थे, वो कांग्रेस की वो भी दे दी। जब भी गरीब आदमी को कहीं पे दुख पहुंचा तो कांग्रेस मैदान पे आई। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। आशुतोष, अभी रोहिंग्यों को जो घर देने, फ्लैट देने की बात थी, जरूरत की चीजें हैं वो देने की बात थी, अब इन सब चीजों पर घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एक के बाद ये जंग जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ती दिख रही है। इसको ऐसे देखिए अर्पिता, कि इनकी शुरुआत कैसे होती है। इनकी शुरुआत एक केंद्रीय मंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि देखिए, और जो हम पे आरोप लगते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट नहीं देते, देखिए हम जो है यूएन की भावना का कदर करते हैं, रिफ्यूजी के लिए कर रहे हैं। जब यहाँ से शुरू हुआ तो बीजेपी को आउटरेज झेलना पड़ा। नहीं, आउटरेज मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ रिफ्यूजी की बात नहीं है, रोहिंग्यों का भी जिक्र किया उन्होंने अपने ट्वीट पर और वो ट्वीट डिलीट भी नहीं हुआ अभी तक। और ये जब इतना बवाल पड़ा तो आपने देखा कि आउटरेज झेलना पड़ा। आउटरेज के बाद गृह मंत्रालय की सफाई आई और फिर बीजेपी आती है और वो कहती है कि देखिए ये तो दिल्ली सरकार ने मीटिंग की थी। अब जो दस्तावेज नोट सामने आए हैं वो मीटिंग की है दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने। आपको ये भी बताया कि दिल्ली सरकार का जो होम डिपार्टमेंट है, जो होम डिपार्टमेंट जैसे पुलिसिंग, एफआरआरओ के जो मैटर हैं, ये राज्य सरकार की चुनी हुई सरकार का डोमेन है ही नहीं। दरअसल होम डिपार्टमेंट से बहुत सारी फाइलें होती हैं जो सीधा एलजी और एमएचए के अधीन होती हैं। अब चुनी हुई सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए यहाँ तो आप कह रहे हैं कि जो भी आदेश फैसले लिए जाएंगे वो सीधा एलजी को भेजे जाएंगे, हम ना तो इसमें किसी मंत्री के साइन है, ना तो यहाँ पर किसी मिनट्स को भेजा गया है, जो भी मीटिंग की अधिकारियों ने की है, चीफ सेक्रेटरी की है, और उसमें कहीं तो कहीं बात ही नहीं है। अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की मीटिंग है, देखिए फाइल पर दिल्ली गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो हमारा मामला ही नहीं है, हमारे अंदर ही नहीं आया, हमारा डोमेन ही नहीं है, हमारे दस्तखत नहीं, हमको शामिल ही नहीं किया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अब शुरू हुआ है ये आगे अभी और बढ़ेगा। दोनों लोगों को मौका मिला हुआ है क्योंकि अगर सियासत नहीं होती, आउटरेज नहीं होता, तो बवाल इतना बढ़ता भी नहीं है। सही बात।